तो गाइस देख सकते हैं हमारे पास एक मीटर आया है। ये विंटो का मीटर है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन ही नहीं हो रहा है। तो मैं इसको पहले कनेक्शन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये कनेक्शन लगा के इसके अंदर ये हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया, इससे कनेक्ट कर लिए। इसको अभी हम लोग सीधा करते हैं। ये देख सकते हैं, ये डायरेक्ट करंट, ये देख सकते ये किस तरह आ रहा है। इसमें इंडिकेटर जल रहा है, चेक लाइट डीम जल रही है बिना इग्निशन ऑन किए। ये इग्निशन है हमारा, ये विदाउट इग्निशन ऑन किए देख सकते हो कुछ भी नहीं। अब इग्निशन ऑन करते हैं, देख सकते हैं इग्निशन का बटन भी दब गया। ये देखिए लाइट इतने जलने लग गया, कुछ भी नहीं आ रहा, डिस्प्ले कुछ दिखा नहीं रहा। तो ऑफ करके दिखाता हूँ लाइट यहाँ। ये ऐसा है कि इग्निशन अगर हम बंद भी कर रहे तो ये लाइट और हीटर की लाइट सिर्फ डिम जल रही है, ये लाइट डायरेक्ट जल रही है, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब इस तरह का इशू है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो अभी इसको हम लोग रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके चेक करेंगे, मतलब ऑन करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसको बंद करते हैं, कनेक्शन निकालते हैं हमारे और हम लोग को ओपन करते हैं। देख सकते ये भी इसका डिस्प्ले भी थोड़ा ख़राब है, तो हम लोग इसको भी रिपेयर करेंगे। मेन अभी ये है कि ये बॉडी ऑन नहीं हो रहा है, तो हम लोग पहले इसको चेक करेंगे क्या इसमें इशू है, रिपेयर करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं डालता नहीं हूँ वीडियो में, क्योंकि क्या है वो फिर डाल देंगे तो जो बाकी काम कर रहे हैं उनको दिक्कत हो जाएगा। ये सब काम करते हैं जो, क्योंकि उनकी कॉल बिल फिर वो उनको मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ये डाल दूँ वीडियो, मतलब पूरा किस तरह रिपेयर करते हैं क्या करते हैं। तो मैं इसको इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या आता है, मतलब तो आपको आइडिया हो जाएगा। कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप दूसरा कोई पार्ट कोई आपको नहीं डलवा रहा है ना जानबूझ के, या उनसे गलती उनको समझ नहीं रहा है। तो ये उनके उनके लिए भी हो जाएगा, आइडिया भी आ जाएगा उनको। तो अभी पहले हम लोग इसको रिपेयर करेंगे, फिर मैं आपको वापस दिखाऊंगा कि ये हुआ है कि नहीं। और इसके डिस्प्ले को भी, ये जो डिस्प्ले ख़राब है इस डिस्प्ले को भी रिपेयर करूँगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग ने रिपेयर कर लिया है बोर्ड को और ये हमारा एकदम वर्क डन हो गया। देख सकते रिपेयर सक्सेसफुल हो गया था, ये आ जा रहा है। ये हमारा इग्निशन बंद करेंगे, ये लाइट रहती है थोड़ी देर फिर बंद हो जाएगी अपने आप। तो ये अभी डिस्प्ले रिपेयर करना बाकी है, ये बंद हो गया। ये ऑन किया हम लोग ने डायरेक्ट कनेक्ट, जैसे इग्निशन ऑन करेंगे इसमें लाइट जल जाएगी, देख सकते एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो गया है।
सिर्फ इसके लिए लिख के आ रहा है कि इसकी चाबी ECM कनेक्ट नहीं है टेबल पे, इसके लिए ये फॉल्ट आ रहा है। रिपेयर एकदम सक्सेसफुल हो गए, ये देखते हैं हम लोग इसका, ये भी रिपेयर कर सकते हैं क्या।